हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सटबुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं शमा लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 टू 8 की ऑल ऑफ पीआर के साथ-साथ एनटीएससी एनसीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ-साथ हम आपको 6 टू 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बिल्कुल यहीं पर ही करवा रहे हैं, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और एज वेल एज स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है, उनसे आपको अभी छुट्टियां मिली हुई है। ओके, काफी लंबी छुट्टियां आपने ले ली है और ऐसी छुट्टियां पहले कभी आपको नहीं मिली, ठीक है। तो काफी लंबा ब्रेक मिल चुका है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं बट वो इतने अच्छे से नहीं हो रहे हैं, है ना। बच्चे को ऑनलाइन पेपर दे दिया जाता है और वो वहां पर देख करके आंसर कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। और तो बोर्ड एग्जाम्स का अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है, इनकी डेट्स वगैरह अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, ठीक है, जल्दी ही हो सके, शायद फाइनलाइज हो जाए इन कमिंग मंथ्स। ओके, सो आप यहाँ पर अपनी तैयारी पूरी रखिए, ठीक है, चाहे डेट आए या ना आए, ठीक है, एग्जाम तो होने ही है ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ 10th से प्रमोट कर दिया जाएगा डायरेक्टली और आप अपना सब्जेक्ट चूज करके जा सकते हैं, नहीं, एग्जाम तो होंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए आपको उसी तरीके की प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो वो प्रिपरेशन आप हमारे साथ यहाँ पर कर सकते हैं, हमारी पूरी फैकल्टी टीम आपके इस काम में हेल्प कर रही है, ठीक है, ताकि वो आपको क्या कर सके, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और स्कूल एग्जामिनेशन में दोनों में ही आपकी पूरी तैयारी करवा दे, यानी कि बहुत अच्छे से आप दोनों के अंदर ग्रेड लेके आए, ठीक है। एंड अभी तक अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहां पर जाकर के ज्वाइन करें, ठीक है। जैसे कि फॉर क्लास 10 द ग्रुप लिंक इज TTV010। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करेंगे, आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटीरियल एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, उसे आप चेक कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, ठीक है। वहां पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको मटेरियल पसंद आ, आपको चाहिए मुझे जो है वैसा ही मटेरियल चाहिए और भी अदर सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आप जा सकते हैं कहां पर, हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहां पर जाने के बाद आपको चूज करना है स्टडी मटीरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फाउंडेशन एंड ऑलपीआर फॉर क्लास 10, ठीक है, जिसकी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, NTSC, ठीक है, IGS, तो ओके, तो आप चूज कर सकते हैं क्या यहाँ पर फाउंडेशन एंड ऑलपीआर फॉर क्लास 10, और उसके अंदर फिर आपको ये दो पैकेजेस देखने को मिले, एक लोअर है एक हायर। इसके अंदर आप अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए, यहाँ पर टेस्ट भी चाहिए, यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन भी चाहिए, अपने डाउट्स भी पूछने हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी यहाँ पर इस वाले पैकेज के अंदर, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चूज कर, ठीक है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे यहाँ फटाफट से बायनो पर क्लिक करके आप उसे चूज कीजिए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज ये है जो कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक चलती आ रही है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था तब भी हमने ये चीज बोली थी और अभी भी वही चीज आपके लिए चली आ रही है, ठीक है। लगा था कि ये जो है खत्म हो जाएगा बट अभी भी आपके लिए यहाँ पर 30% डिस्काउंट अवेलेबल, ठीक है, ऑन फुल कोर्स मटेरियल, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर मटेरियल चूज करेंगे उसके अंदर आपको मिलेगा क्या 30% का डिस्काउंट, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर उसके लिए क्या करना होगा, आपको AM Live अप्लाई करना, ठीक है, तो फटाफट से अप्लाई कीजिए यहाँ पर AM Live कोड, ठीक है, और 30% डिस्काउंट ले लीजिए एंड यू कैन बाय दिस थ्रू क्रेडिट डेबिट और नेट बैंकिंग, ठीक है, बड़ा ही आसान है लेना सब्सक्रिप्शन। अगर आपको कुछ डाउट है, परेशानी है, लेना नहीं आ रहा सब्सक्रिप्शन, और या फिर आपको टेलीग्राम के बारे में कुछ जानना है, ठीक है, हमारे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे, नंबर बहुत सिंपल है, फटाफट से नोट करके आप जो है सब्सक्रिप्शन ले, ठीक है। तो चलिए बिना ज्यादा देर किए हम यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बाय डूइंग द फाइनल प्रॉमिस,
but I was a Gandhi ji, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. ताकि मैं क्या बन सकूँ smart student. Smart और sincere बने रहिए इसी ठीक है. बहुत patience आपने था regularly आप जो है videos देख रहे हैं. ये लास्ट चैप्टर ठीक है और इसके बाद आपका यहाँ पे टेंथ का केमिस्ट्री का कोर्स जो है फिनिश होता है ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं इसका भी. हम यहाँ पर है ना श्री गणेश करते हैं. कोल पेट्रोलियम एंड पॉली नाम सुना सुना सा लग रहा है. यहाँ पर क्लास 8th में आप पढ़ के आ चुके हैं दोनों ही चैप्टर. बेसिकली दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू चैप्टर. क्लास 8 के दो चैप्टर का क्या है ये पूरा पूरा मिक्सचर है. कोल एंड पेट्रोलियम आपने पढ़ा है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से पढ़ा होगा है ना. और एक है आपका सिंथेटिक फाइबर एंड पॉलीमर ठीक है. ये भी आपने पढ़ा था कब क्लास 8 पे ठीक है यानी कि एक साल पीछे ओके एक से एक साल पीछे ओके. सो वही चीजें हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं. वही कॉन्सेप्ट वही थ्योरी हम यहाँ पर बेसिकली रिपीट करेंगे ठीक है. आप सबको पता है अब 8th क्लास की चीज आपको 10th में पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ आ जाएगी और फ्री के मार्क्स दिलवाएंगे ठीक है. इसके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करें ठीक है. जैसे ही ये लेक्चर फिनिश होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें तो बहुत जल्दी रिकॉल होगा बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा और फ्री के मार्क्स आपको मिलेंगे ठीक है. अगर यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो यहाँ पर आप उसके जिम्मेदार हैं ठीक है. और आप क्या कर रहे हैं फ्री के मार्क्स टीचर को दे रहे हैं बेसिकली लुटा रहे हैं कि नहीं ले लो काट लो हमारे मार्क्स को ठीक है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना. इस चैप्टर से आपको यहाँ पर फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं. बहुत इजी चैप्टर है पहले आप पढ़ चुके हैं फटाफट से अभी रिकॉल होगा जब हम इसको यहाँ पर चलाएं ठीक है. तो जल्दी जल्दी आप यहाँ पर रिकॉल करें. आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है ना. एक फॉसिल फ्यूल कोल के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे और यहाँ पर देखेंगे उसके यूजेस क्या है ठीक है. तो ये बेसिक टर्म हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं यूज करने वाले हैं किससे कोल से रिलेटेड ठीक है. चलिए शुरू करें. देखिए कोल क्या है. कोल यहाँ पर एक हार्ड रॉक है ठीक है. सेडिमेंट्री रॉक भी इसे बोला जाता है जो कि क्या है एक फॉसिल फ्यूल ओके. कोल इज अ हार्ड रॉक विच कैन बी बर्न एज अ सॉलिड फॉसिल जिसे हम बर्न कर सकते हैं किसकी तरह एज अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल ठीक है. फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं क्या होते हैं ठीक है. इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं नेचुरल रिसोर्सेज का ओके. यहाँ पर हमारे पास बहुत कोल भी क्या है एक नेचुरल रिसोर्स है ठीक है. नेचर से हमें मिल रहा है हम उसे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ठीक है. तो वो क्या है एक नेचुरल रिसोर्स ठीक है. अब यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस दो तरीके के होते हैं एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल ठीक है. तो यहाँ पर कोल भी हमारा क्या है एक नेचुरल रिसोर्स है बट कौन सा एग्जॉस्ट खत्म होने वाला ठीक है. कोल को आप जब एक बार बर्न कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर ऐश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ठीक है. CO2 में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसे हम वापस से ऐश से वापस से कोल नहीं बना सकते. तो ये क्या है नॉन रिन्यूएबल क्या है नॉन रिन्यूएबल ठीक है. और भी जिस भी चीज से यहाँ पर कोल बन रहा है लाइक इतना अमाउंट ऑफ कोल इंडिया में है ना लार्जर प्रोड्यूसर है किसका कोल का और बाहर की कंट्रीज में भी जो है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है ठीक है. तो ये हमारी वेल्थ का ठीक है हमारी कैपिटल का एक रीजन है ठीक है. तो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका कि कोल होता क्या है एक हार्ड रॉक सब्सटेंस होता है ना पत्थर की तरह दिखे छोटे 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 पत्थर ठीक है. कहीं आपने देखा होगा कोल ओके. या फिर आप जब भी वुड बर्न करें है ना अभी जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो आप यहाँ पे कैंप फायर करेंगे है ना. और कैंप फायर करने पर फिर आप जो है क्या करेंगे यहाँ पे वुड बर्न करेंगे तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होगी किसके अंदर कोल के अंदर ठंडी होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है कोल ओके. नाउ इट इज मोस्टली कार्बन ओके. ऑल्सो कंटेन व्हाट हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन
ओके यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन मेन होता है, कार्बन कंपाउंड है ना, हमने पढ़ा है ठीक है। ऑर्गेनिक चीज है क्या है, कार्बन कंपाउंड है बेसिकली कोल ठीक है, सीधा सीधा क्या है कार्बन कंपाउंड, बट इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ सल्फर भी प्रेजेंट रहता है ओके, और इसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो तीन तो मेन इसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है ही सही ठीक है, बाकी यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन को ठीक है। नाउ ये क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है जो फॉर्म हुआ है किससे, पीट से। पीट क्या होता है अभी आपको बताएंगे ठीक है। बाय द प्रेशर ऑफ रॉक्स ले डाउन लेटर टू टॉप ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इसकी एक कहानी आपने सुनी होगी ठीक है बचपन में, क्या हुआ था यहाँ पर लाइक पहले बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी ठीक है, और फिर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से है ना डायनासोर्स भी हुआ करते थे पहले ओके। सो कहानियों में आपने सुना होगा है ना, तो क्या हुआ नेचुरल डिजास्टर्स आए ठीक है, अर्थक्वेक्स आए, वॉल्केनोज ओके, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आने की वजह से यहाँ पे लाइक अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ यहाँ पे स्प्लिट अप ठीक है, यहाँ पर सरफेस क्या हो गया स्प्लिट अप हो गया, और जो भी ये वेजिटेशन था ठीक है एनिमल्स थे ओके, जो भी प्लांट्स थे फॉरेस्ट थे वो सब बरी हो गए कहाँ पर नीचे अर्थ क्रस्ट। अब वो बरी हो गए तो बहुत बहुत साल तक यहाँ पर क्या रहा, दे गॉट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, और ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर उनपे क्या हुआ प्रेशर अप्लाई हुआ ऊपर से लाइक न्यू लेयर आई सॉरी थी और लेयर आती चली गई है ना, ये बहुत बहुत टाइम लगा इसको है ना, ऐसे नहीं एकदम से लाइक आपने ये सरफेस है इसको पलट के ये कर दिया और पूरा वेजिटेशन यहाँ पर दब गया और लाइक दूसरी लेयर फॉर्म होने लगी, ऐसा नहीं हुआ ठीक है, काफी साल लग गए ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग गए इस प्रोसेस के अंदर, बट वो जो वेजिटेशन थी वो जो फॉरेस्ट थे वो जो यहाँ पर एनिमल्स थे वो उसके अंदर ही क्या रहे बरी ठीक है। अभी भी लाइक बहुत सारे यहाँ पर जियोलॉजिकल जो रिसर्च करते हैं ठीक है वो देखते हैं यहाँ पर उनको स्केलेटन मिले किसके, डायनासोर्स के ठीक है, और भी दूसरी दूसरी चीजों के ठीक है, जो भी इस बारे में रिसर्च करते रहते हैं उनको पता होगा है ना। कार्बन डेटिंग हमने जो है रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा ठीक है, उससे उनको कोई वुड का पीस मिला या फिर कोई भी चीज तो उससे वो उसकी एज पता लगाते हैं कि ये इतने साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था डेड हुआ ओके। सो कोल फॉर्म हुआ इस तरीके से ठीक है, ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर वहां पर क्या हुआ वो सारी वेजिटेशन जो है जलने लगी ठीक है, अल्टीमेटली वो किसमें कन्वर्ट हो गई यहाँ पर कोल, इसके अंदर कोल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट कार्बनाइजेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कन्वर्टिंग ऑफ लाइक दीज रिसोर्सेज इनटू व्हाट फॉसिल फ्यूल, ये क्या है कार्बनाइजेशन ओके। नाउ कोल क्या है, कोल एक कंबस्टिबल ब्लैक एंड ब्राउन निश ओके सेडिमेंट्री रॉक है, फॉर्म हुआ है बाय एज अ रॉक स्टार्टा ओके, कॉल्ड द कोल सी ओके। कोल इज मोस्टली द कार्बन एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं ठीक है, चीफली एलिमेंट तो है कार्बन हाइड्रोजन ओके, बट इसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी क्या रहते हैं प्रेजेंट रहते ठीक है। नाउ बेसिक इंट्रोडक्शन में किसका, पेट्रोलियम का, तो पेट्रोलियम ठीक है पहले अपन चैप्टर का नाम समझ लेते हैं ना, कोल कोल आपको समझ आ गया, फिर पेट्रोलियम ओके, और फिर पॉलीमर ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम भी आपका यहाँ पर फॉसिल फ्यूल ही है ठीक है, ये भी नेचुरल रिसोर्स ही है ठीक है, और यहाँ पर नेचुरली अकरिंग बट किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। कोल तो क्या है आपका सॉलिड फॉर्म और पेट्रोलियम क्या है लिक्विड फॉर्म ठीक है। अब ये भी आपको मिलता है कहाँ, अंडर द सरफेस ओके, एंड उसे फिर हम क्या करते हैं रिफाइन करते हैं किसके अंदर, फ्यूल के अंदर, एंड दैट इज रिफाइंड इनटू व्हाट फ्यूल ओके। पेट्रोलियम भी क्या है, पेट्रोलियम भी आपका एक फॉसिल फ्यूल है ठीक है, मीनिंग दैट इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर ठीक है, ये भी फॉर्म हुआ है, बहुत बहुत साल लगे इसको फॉर्म होने में ठीक है, इसे भी फर्दर हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पॉलीमर क्या होते हैं, ये भी आपने पढ़े हैं ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और वी कैन से दैट मैक्रो मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ व्हाट रिपीटेड सब यूनिट ठीक है, जो कि कंपोज हुए हैं छोटी छोटी यूनिट से मोनोमर ठीक है,
यहाँ पर मोनोमर क्या होता है, एक सिंगल यूनिट, ये है ठीक है। अब इससे मिलाकर के लाइक ओके हमने क्या किया, एक बड़ा यहाँ पर पॉलीमर बना लिया। आपने क्या देखी होगी यहाँ पर लाइक वो रुद्राक्ष वाली माला देखी होगी है ना, उसके अंदर क्या होता है, वही रुद्राक्ष होते हैं ना छोटे छोटे। अब उनको हम एक लाइक धागे में क्या करते हैं, पिरोते हैं, मोतियों की माला देखी होगी है ना। तो वो एक मोती आप समझ लें वो क्या है, मोनोमर है, एक सब यूनिट है, एक यूनिट है ठीक है। और वैसे आपने बहुत सारे लाइक मोनोमर्स ऐड कर दिए, सब यूनिट ऐड कर दी, रिपीटेड सब यूनिट कर दी, तो वो अल्टीमेटली जो यहाँ पर क्रिएट होता है वो क्या है, पॉलीमर। इसे आप इस तरीके से ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, कैसे, बाय रिपीटिंग द सब यूनिट और बाय रिपीटिंग द मोनोमर। ओके अंडरस्टूड। नाउ ड्यू टू देयर ब्रॉड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज, ओके, बोथ सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर प्ले एसेंशियल एंड यूबिक्यूटी, यानी कि एवरीडे लाइफ में यूज आने वाला ओके रोल इन एवरीडे लाइफ। ओके ये पॉलीमर हमारी डेली लाइफ में जो है बहुत 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 ज्यादा काम आते हैं ठीक है, इनका बहुत ज्यादा यूज ठीक है। अब देखो क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स बहुत सारे होते हैं भाई ठीक है। हमें लाइक सोर्सेज ऑफ एनर्जी पहले आप समझे है ना, हाइडल पार है ओके यहाँ पर क्या कहें, यहाँ पर हम बोलेंगे हाइड्रोल पार स्टेशन हो गया ठीक है, सोलर रेडिएशन हो गई है ना, यहाँ पर सोलर पैनल्स हो गए और क्या हो गया, और यहाँ पर विंड एनर्जी हो गई ठीक है। तो ये सारे हमारे डिफरेंट सोर्सेज है एनर्जी ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस से या फिर एक सोर्स से हम एनर्जी लेते हैं और उसे दूसरी चीज के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वी कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर ठीक है, और उसे हम यहाँ पर दूसरी चीज के लिए यूज लेते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, किससे प्रोड्यूस, कोल से, थर्मल पावर प्लांट के अंदर फ्यूल यूज कर रहे हैं हम क्या, कोल। अब कोल से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उससे स्टीम जनरेट कर रहे हैं, उससे टर्बाइन रन कर रहे हैं, और टर्बाइन रन करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हमें ये एनर्जी मिल रही है, आप और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं ओके। सो यहाँ पर एक सोर्स से हम एनर्जी लेकर के उसे किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरी फॉर्म ओके। सो इस तरीके से यहाँ पर लाइक ये साइकिल चल रहा है। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स है ना, और नेचुरल रिसोर्स से इंडिकेट यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल वेल्थ इंडिकेट होती है किसी कंट्री, किसी कंट्री के पास कितने यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उससे उसकी यहाँ पर क्या होगी, वेल्थ जो है पता चलेगा। वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट मैन गेट फ्रॉम द अर्थ एंड नेचर मीट हिज बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जो भी चीजें इंसान जो है लेता है, बहुत से लेता है ठीक है, यहाँ पर सरफेस से ले रहा है, जो भी चीजें वो अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए यूज कर रहा है ठीक है, वो सारी क्या है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है। और द वर्ड रिसोर्सेज मीन्स द सोर्स ऑफ सप्लाइंग द मटीरियल जनरली हेल्ड इन रिजर्व ठीक है। यहाँ का रिसोर्स का मतलब है क्या, तो क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं जिसका मटीरियल जो कि क्या है, रिजर्व ठीक है। यहाँ पर यानी कि काफी सारा है, उसे आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके अपनी नीड्स पूरी करने के लिए उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर ठीक है, रिसोर्स है वो है ना। बहुत सारा हमारे पास क्या है, एक सोर्स है जो कि क्या है, रिजर्व ओके। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों ही तरीके के होते हैं ठीक है, लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन अबंडेंस व्हाइल अदर आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी, कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा है और कुछ जो है लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है ओके। और यहाँ पर फॉर दिस रीजन नेचुरल रिसोर्सेज आर टू बी वाइडली यूज, हाउएवर रियलिटी इज नॉट सो। यहाँ पर इन्हें क्या करना चाहिए, लाइक नॉर्मली यूज करना चाहिए, जो भी लिमिटेड सोर्स है ठीक है उन्हें हमें नॉर्मली जो है यूज करना चाहिए, जुडिशली यूज करना चाहिए, बट हम उन्हें क्या कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से है ना, बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं है कि लाइक कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर हम इन्हें वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली हम उन्हें क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं ओके। नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी ओके,
कौन कितना रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है उसकी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इन्हें जो है दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। एक है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एक है यहाँ पर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल, ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स दो तरीके, ठीक है। चलिए क्या होते हैं एग्जॉस्टेबल, क्या होते हैं इनएग्जॉस्टेबल, दो नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना, इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, रिसोर्सेज जो कि क्या है अनलिमिटेड, जो कि क्या है अनलिमिटेड है, जब से धरती बनी है जब तक धरती है अर्थ है तब तक वो रिसोर्सेज यहाँ पर अर्थ पे रहे, ठीक है, उन्हें भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज दैट आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स कितना भी यूज करें वो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे कि एयर वाटर और सोलर रेडिएशन, सन से रेज आ रही है, ठीक है, जब से धरती बनी है तब से आ रही है, ठीक है, और जब तक रहेगी तब तक सन रहेगा, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगी, हवा कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, पानी कभी खत्म नहीं, पानी भी यहाँ पर नेचुरल वाटर साइकिल जो है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है, और उससे पानी नेचुरली प्योरीफाई, बट पानी लाइक फ्रेश वाटर हो सकता है खत्म हो जाए, बट यहाँ पर वाटर जो है पूरी तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाए ऐसा कभी नहीं, ठीक है। नाउ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल वो जो कि यहाँ पर क्या है लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जो कि एग्जॉस्ट हो सकती है बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये भी फर्दर डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में जो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होती है, जिन्हें हम कुछ ना कुछ कोशिश करके लाइक है तो वो एग्जॉस्टेबल, बट कुछ टाइम के बाद थोड़ा टाइम लग जाएगा, 10 इयर्स लग जाएंगे 12-15 इयर्स लग जाएंगे, बट वो रिन्यू हो जाएंगे, ठीक है, वापस से वो रिसोर्सेज हमें मिल जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज दैट कैन बी रीप्लेनिश देमसेल्फ, ओके, बाय क्विकली रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद इन द रीजनेबल टाइम, उन्हें हम बोलेंगे क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके अंदर आ जाते हैं जैसे कि सॉइल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ठीक है, लाइक बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ है जो क्या करने वाली है एक्सटिंक्ट करने वाली है, बट हम उन्हें यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से जो है लाइक एक दो उनकी स्पीशीज बचा करके फर्दर रिप्रोड्यूस करवा के हम उन्हें बचा सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया लाइक पेड़ आपने काट दिए जंगल काट दिया वापस से उगा दोगे, ठीक है, वापस से आप यहाँ पर एफॉरेस्टेशन कर दोगे तो वापस से वहां पर फॉरेस्ट बन जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा है ना 10-20 इयर्स लगेंगे बट वो आ जाएगा, इट इज सफिशिएंट टाइम, ओके, यहाँ पर क्या है ये रीजनेबल टाइम, ओके। बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे होती हैं जो कि जिनके लिए बहुत 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 साल लगते हैं, 500 इयर्स हम जिंदा ही नहीं रहे, ठीक है, तो ये टाइम क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि यहाँ पर हम रिप्लेस नहीं कर सकते रिप्लेनिश नहीं कर सकते, ठीक है, विद इन अ रीजनेबल टाइम, और वो क्या है एग्जॉस्ट होती ही है, ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इनके अंदर कौन आते हैं मिनरल और फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में क्या आते हैं, फॉसिल फ्यूल में आते हैं आपके क्या कोल पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, ओके। तो अब हम डिटेल में उनके बारे में ही बात करेंगे। ये फॉसिल फ्यूल होते क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि क्या कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है, एंड दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम क्या बोलते हैं फॉसिल्स बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं फॉसिल्स बोलते हैं, ओके। सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इन्हें हम क्या बोलते हैं फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ओके। Coal and petroleum are very important natural resources and they play a vital role in modern society. Modern society के अंदर ये क्या करते हैं बहुत vital role play करते हैं, कौन coal और petroleum। Coal से कितनी सारी industries चल रही है, ठीक है, और petroleum से यहाँ पर कितने सारा transportation चल रहा है, okay? Petroleum basically यहाँ पर petroleum का मतलब ये नहीं है कि like simple petrol, okay? यहाँ पर petroleum क्रूड ऑयल है ना, इससे बहुत सारे फर्दर प्रोडक्ट मिलते हैं, जब हम अपन इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम इसको डिस्कस करें, ओके। नाउ दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, कहाँ पे मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में ही मिलते हैं, एंड दे आर इजी अवेलेबिलिटी एंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक
make them useful or very important for the growth of industry. ठीक है, इनकी properties की वजह से, इनकी कुछ availability की वजह से, ठीक है, specific characteristics की वजह से यहाँ पर ये क्या बन गए हैं, बहुत ज्यादा important बन गए हैं और chief source बन गए हैं किसका, energy का, कहाँ, world wide, पूरे world के अंदर क्या बन गए हैं, chief source बन गए हैं किसका, energy. ओके, चल आगे बढ़े, फॉसिल फ्यूल तक हमने क्या कर लिया, यहाँ पर स्टडी कर लिया. अब आगे देखिए, एक एक करके अपन जो है कवर अप करेंगे हमारे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ठीक है, अभी हम सबसे पहले कोल को डिस्कस करते हैं, पेट्रोलियम हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए कोल क्या होता है, अगेन सिंपल इंट्रोडक्शन, कोल क्या है, एक मिनरल है डार्क ब्राउन कलर का, यहाँ पर सॉलिड है, रॉक है, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ प्लांट बरीड इन द अर्थ क्रस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स. ये क्या है, एक सेडिमेंटरी रॉक है जो कि क्या होता है, बर्न. भाई कैसे फॉर्म हुआ कोल, है ना, आपको बता दिया नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, अर्थक्वेक्स आए, अर्थक्वेक आने की वजह से जो भी फॉरेस्ट थे, एनिमल्स थे, ठीक है, दे गॉट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट और वो बरी रहे कब तक, थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर तक वो क्या रहे, दे गॉट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, और फिर क्या हुआ, ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है, उन पे प्रेशर लगता गया और ड्यू टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, पर कोल. ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है इसकी, कॉम्पोजिशन भी आपको पता है, चीफली ये किसका बना हुआ है, यहाँ पर कोल बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन का, बट सम अमाउंट ऑफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सम अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सल्फर एंड नाइट्रोजन. Okay, some amount of sulfur and nitrogen is present. Coal is the impure form of carbon and mainly consists of what? Atoms of carbon, hydrogen and oxygen. Okay, carbon, hydrogen or oxygen से mainly ये क्या है? मिलके बना हुआ है और some amount of sulfur भी इसके अंदर present है, साथ ही साथ यहाँ पर nitrogen भी इसके अंदर क्या है? Present. ठीक है, आगे. Now, deposits क्या है इसके? Deposits कहाँ कहाँ पे है? Basically. ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल डिपॉजिट इज नॉट यूनिफॉर्म इन द अर्थ. ठीक है, ये कोई एक लाइक यूनिफॉर्म नहीं है कि आपको एक जगह ही सारा कुछ मिल जाएगा कोल. ठीक है, ये डिपॉजिट जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर है. ठीक है, इंडिया के अंदर है. ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगे देखने को, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ द टोटल कोल रिजर्व, ठीक है, टोटल कोल रिजर्व जो कि वर्ल्ड वाइड एशिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वन थर्ड कहाँ है, यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर है. ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन हाफ, ओके, पूरे वर्ल्ड का. नाउ इंडिया इज द लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, इंडिया के पास क्या है, इंडिया हैज द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल और इंडिया की वेल्थ, इसकी कैपिटल यहाँ पर कोल से ही चल रही है. ठीक है, इट हैज एस्टिमेट दैट इंडिया हैज अबाउट 80 बिलियन टन, कितना, 80 बिलियन टन ऑफ कोल यहाँ पर किसके पास है, इंडिया के पास है. ठीक है, अब द कोल डिपॉजिट आर स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या है आपको कोल के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे. ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे आपको कोल डिपॉजिट देखने को मिलेंगे. नाउ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन क्या है, इट इज बिलीव दैट अ मिलियन ऑफ ईयर एगो, वही सारी कहानी. ठीक है, नाउ द फॉरेस्ट वॉज स्प्लिट एंड ओपन द नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, बाय नेचुरल फोर्सेस एंड सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनोस. ठीक है, एंड द फॉरेस्ट वॉज बरीड इन द चीज, ओके, थस द प्लांट हैड नो कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा. ठीक है, और सक्सेसिव लेयर ऑफ सेडिमेंटरी सी एंड दे गॉट बरी, ओके,
Now, over a million of years ago, these deposits were subjected to tremendous pressure. ठीक है, बहुत साल तक इन पे क्या लगता रहा, tremendous pressure लगता हुआ लगता गया और heat जो है बढ़ती गई और finally ये transform हो गए किसके अंदर, coal के अंदर. They got transformed into what? Coal. The chemical process involved in the transformation of plant matter into coal is called what? Is called your carbonization of plant. उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कार्बनाइजेशन ऑफ प्लांट मैटर. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि कार्बनाइजेशन जो है क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन उसकी लिख. ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े, चलिए फटाफट से बढ़ते हैं. अब ये आपके पास यहाँ पर क्या है, फॉर्म्स ऑफ कोल है. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स आपको यहाँ पर दी हुई है, चार तरीके की फॉर्म होती है. पीट जो कि फर्स्ट स्लाइड के अंदर आया था, है ना. पीट क्या होता है, फर्स्ट लेयर होती है किसकी, यहाँ पर सरफेस की, अर्थ की. ठीक है, जहां पे लाइक कोल बेसिकली ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ कोल ही है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये डेड प्लांट और लीव्स. ठीक है, एनिमल्स आ गए इसके अंदर. नाउ लिग्नाइट एक सेकेंड लेयर है किसकी, कोल की. और उसके बाद क्या है यहाँ पर, विटामिन, विटामिन्स भी यहाँ पर क्या है, अ फॉर्म ऑफ कोल. और फिर है एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट जो है यहाँ पर ये क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है. ठीक है, और क्या है, हार्ड है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बट है बहुत ही अच्छा. ठीक है, अब यहाँ पर इस टेबल से हम देख सकते हैं कि इनके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट कितना है. ठीक है, जो पीट है उसके अंदर सबसे कम आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, 50-60%, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या है, कम है. ठीक है, लिग्नाइट उससे थोड़ा अच्छा है, उसके अंदर 60-70% क्या है यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ कार्बन है. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देयर कैलोरीफिक वैल्यू हम उन्हें क्या करते हैं यहाँ पर यूज. ठीक है, इनके ऊपर परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट भी यहाँ पर क्या कर रखा है, शो कर रखा है. विटामिन्स वो कोल है जो हम यूज करते हैं हमारे हाउस होल्ड पर्पज के लिए. ये कैसा होता है, सॉफ्ट है. ठीक है, और हाउस होल्ड सॉफ्ट कोल भी इसे बोला जाता है, क्योंकि हाउस होल्ड पर्पज के लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं. इसके अंदर अराउंड 75-80% क्या होता है, कार्बन कंटेंट प्रेजेंट रहता है. ठीक है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट अब कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट भी अच्छा है, बट ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव. ठीक है, तो हाउस होल्ड पर्पज के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए हम इसे यूज नहीं कर पाते. ओके, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से. ठीक है, वरना इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखो सबसे ज्यादा अच्छी है, सबसे ज्यादा है. ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये जो है प्रोड्यूस करेगा, और इसके अंदर कार्बन कंटेंट भी जो है वो क्या है, बहुत अच्छा है. ठीक है, बट एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इसे यूज नहीं करते. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज योर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. क्या होता है ये, यहाँ पर कोल का हम क्या करते हैं, बेसिकली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है ना, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम यहाँ पर कोल से जो है फर्दर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. ठीक है, चार तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं, कोक, कोल गैस, कोल टार और अमोनिकल लिक्विड. ठीक है, ये चार प्रोडक्ट, चार मेन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं थ्रू व्हाट, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. ठीक है, यानी कि फर्दर और हमने यहाँ पर चार सोर्सेज इसके बना लिए. ठीक है, नाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में होता क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोल को हीट करते हैं इन अ बॉइलिंग ट्यूब. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, पाउडर कोल लिया, और उसे हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए पाउडर कोल, ये बर्नर है, और ये क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है जिसके अंदर हम इसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, यानी कि इससे हमने जो है पूरी पूरी एयर निकाल ली इस बॉइलिंग ट्यूब. ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम उसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. अब कोल कंटेन्स अ नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. ये हमें अब तक याद हो चुका है, पता चल चुका है.
When coal is heated in the absence of air, number of products are obtained. Number of products यहाँ पर क्या होते हैं? Obtained. यहाँ पर coal powder को जब हम heat कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे form होगा boiling tube के अंदर. यहाँ पर क्या निकलेगी? Basically gas निकलेगी, ठीक है? Carbon dioxide, okay? तो यहाँ पर क्या form होगा? Coke form होगा. फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा ए के अंदर यहाँ पर लाइक इन द बॉइलिंग ट्यूब वो क्या फॉर्म होगा? कोक फॉर्म होगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वाटर एंड दिस डिसॉल्व अमोनिकल टू फॉर्म अमोनिया टू फॉर्म व्हाट? अमोनिकल लेयर. यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? इस ट्यूब के अंदर फॉर्म होता है आपका कोल टार, ठीक है? और यहां से जो निकलती है वो क्या निकलती है? कोल गैस निकलते हैं, जिसे भी हम एक तरीके से फ्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं. यहां पर आपको दो प्रोडक्ट मिलेगी, एक तो मिलेगा कोल टार और एक मिलेगा आपको क्या? अमोनिकल लिक्विड. टोटल जो है यहाँ चार प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है? द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आर एज फॉलो, ठीक है? तो यहां क्या है? पहला है कोक, जो कि इस तरीके से लिखता है, ठीक है? ड्राई रॉक है, ड्राई सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है? अमोनिकल लिक्विड है, बहुत सारी चीजों में यहाँ पर जो है ये काम आता है. और कोल टार है और कोल गैस, इसे हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल. ओके, सो चलिए इन्हें भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ओके, व्हाट आर दीज? देखिए कोक क्या है? कोक इट कंटेन्स व्हाट? 98% ऑफ कार्बन, है ना? 98% कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कोक के अंदर. इट इज पोरस टफ ब्लैक एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोक. ये क्या है? पोरस है, टफ है, ब्लैक है और फॉर्म है क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोक, है ना? क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोक. ये यहाँ पर आपको पिक्चर्स जो दिखा रखी है ये किसकी है? बॉइलिंग ट्यूब की. किसकी? बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है? ये जो आप देख रखे हैं ये क्या है? पूरी बॉइलिंग ट्यूब है और इनके अंदर हो रहा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है? ऑफ कोक. और ये जो यहाँ से निकल रहा है ये क्या निकल रहा है? बॉइलिंग ट्यूब को ओपन करने के बाद कोक निकल रहा है, ठीक है? बर्न होने के बाद इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये जो निकल रहा है वो क्या है? कोक. ओके, नाउ लाइक चारकोल इट इज अ गुड फ्यूल एंड बर्न विदाउट स्मोक, ठीक है? ये भी क्या है? बहुत अच्छा फ्यूल है, ठीक है? और यहां पर बर्न होता है विदाउट स्मोक, बट इट इज अ सेल्डम एम्प्लॉयड, ओके, एज अ फ्यूल बिकॉज इट कैन बी पुट टू मोर वैल्यूएबल यूज, ठीक है? इसको फ्यूल की तरह यूज ना लेकर के इसके बहुत और अच्छे यूजेस हैं जिसमें हम इसको क्या कहते हैं? यूज करते हैं. कोक यहां पर यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल, ठीक है? बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन के अंदर हम यहाँ पर यूज करते हैं किसे? कोक को, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट. बहुत अच्छा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है. मेटलर्जी के अंदर हमने पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो वहां पर कोक हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है? जिससे कि हमें क्या मिल सके? प्योर मेटल मिल सके. ओके, नाउ इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फ्यूल गैस लाइक वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस. कैसे ऑप्टेन होती है? ये देखिए यहाँ पर, इट इज ऑप्टेन बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या लिया? कोक लिया, ठीक है? और उस पे हमने यहाँ पर स्टीम पास करी, हमें क्या मिली यहाँ पर? वाटर गैस मिली. क्या मिलेगा हमें? CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ये इसे हम कंबाइन करके यहाँ पर लिखते हैं और बोलते हैं क्या? वाटर गैस. ओके, और यहाँ पर फॉर्म होती है आपकी क्या? प्रोड्यूसर गैस. इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एयर इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक. सिंपल एयर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं किससे? कोक से, तो कोक से, तो हमें मिल रही है क्या यहाँ पर? प्रोड्यूसर गैस, जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो ये है आपका क्या? कोक. नेक्स्ट हमारे पास है क्या? कोल टार. अब कोल टार क्या है? कोल टार भी एक फॉर्म है, मिक्सचर है. किसका? डिफरेंट कार्बन कंपाउंड. ये क्या है? एक थिक ब्लैक लिक्विड, ठीक है? विद अ अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है? इस तरीके का, है ना? यहाँ पर थिक ब्लैक लिक्विड है और जिसकी
स्मेल क्या है बहुत अनक्लियर है. ओके, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार गिव्स मेनी केमिकल सब्सटेंस ओके व्हिच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट सिंथेटिक डाइज परफ्यूम एक्सप्लोसिव पेंट्स ओके सिंथेटिक फाइबर ड्रग पेस्टिसाइड बनाने में बहुत बहुत सारी चीजें बनाने में हम क्या यूज करते हैं कोल टार का यूज करते हैं. ठीक है, सम केमिकल सब्सटेंसेस आर बेंजीन टोलुइन फेनॉल ओके एनिलीन यहां पर ये सारी चीजें बनाने के अंदर भी ये काम आता है. ठीक है, नेफ्थलीन बॉल यूज टू रिपेल मॉथ नेफ्थलीन बॉल यहाँ पर यूज करते हैं हम क्या मॉथ्स को दूर भगाने के लिए है ना कपड़ों में या फिर खाने वाली चीजों में. ठीक है, वहां पर मामा क्या करती है कपड़े से बांध करके छोटी छोटी गोलियां रख देती है वो क्या है नेफ्थलीन बॉल्स ही है. ठीक है, जो कि कीड़े वगैरह नहीं लगने देती है ना दालों में या फिर गेहूं वगैरह हो गए उनके अंदर. ठीक है, और यहाँ पर नाउडेज विटामिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन द प्लेस ऑफ कोल टार इन मेकिंग ऑफ रोड. बेसिकली पहले ऐसे क्या करते थे यहाँ पर रोड की सर्फेसिंग करने के लिए भी यहाँ पर सर्फेस पे ठीक है लगाने के लिए यहाँ पर यूज करते थे किसका कोल टार का. बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है अब यहाँ पर विटामिन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसे यूज किया जाता है. ठीक है, कहाँ पर इन मेकिंग ऑफ रोड पहले कोल टार को यूज किया जाता था है ना बहुत ज्यादा कि इसलिए इन द मेकिंग ऑफ रोड. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अमोनिकल लिकर. नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म हुआ वो क्या है थर्ड इज योर अमोनिकल लिकर. ओके, द अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. जब भी हम क्या करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल का क्योंकि कोल के अंदर क्या प्रेजेंट है नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे क्या फॉर्म होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे फॉर्म होती है क्या अमोनिया गैस. ठीक है, अब यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर. जो अमोनिया गैस रिलीज हुई वो एब्जॉर्ब होती है किसके अंदर वाटर के अंदर जो की प्रेजेंट होती है सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर जो प्रेजेंट होता है. ओके, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन is called what is called your ammonical liquor. अब जो यहाँ पर solution form हुआ ठीक है उसे हम बोलते हैं क्या ammonical liquor and it is used in the preparation of fertilizers. Fertilizers बनाने में use आता है ठीक है such as ammonium sulfate and ammonium superphosphate. यहाँ पर बनाने के अंदर ammonical liquor को हम क्या करते हैं use लेते. Okay, समझ आया ammonia gas pass हुई जब आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया किसका कोल का सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या है वाटर प्रेजेंट है वो अमोनिया गैस मिलके वाटर में मिक्स होती है क्या फॉर्म होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यही अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है यहाँ पर अमोनिकल लिक्विड क्या है अमोनिकल लिक्विड इसे हम फर्टिलाइजर्स बनाने के अंदर क्या करते हैं यूज ले. ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है हमारा वो क्या है कोल गैस. ठीक है, कोल गैस क्या होती है कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉट कोल टू गेट कोक. ठीक है, कोल से जब आपको कोक चाहिए होता है तो उस प्रोसेस में जो गैस रिलीज होती है वो बेसिकली क्या होती है आपकी कोल गैस. ठीक है, कोल गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन मीथेन ओके एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. क्योंकि यहाँ पर कोल जो है क्या है इनकम्प्लीटली बर्न. ठीक है, वहां पर क्या रिलीज होगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. क्या रिलीज होगी कार्बन मोनोऑक्साइड. द गैसेस प्रेजेंट इन कोल गैस आर व्हाट कंबस्टिबल एंड हेंस इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल. और वो क्या है यहाँ पर एक्सीलेंट फ्यूल है फॉर कोल. इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट इज यूज फॉर लाइटिंग हाउसेस. ठीक है, लाइटिंग हाउसेस के अंदर यूज किया जाता है एंड फैक्ट्रीज एंड स्ट्रीट इन मुंबई. ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर भी यूज करते थे हम किसको कोल को कब 1950 के. ठीक है, एंड इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग अंटिल रिसेंटली. यहाँ पर एलपीजी के अंदर पहले हम यहाँ पर कोल गैस को ही यूज करते थे फॉर कुकिंग पर्पस. किसके लिए कुकिंग पर्पस. ठीक है, लास्ट हमारे पास है अब यहाँ पर कोल हमारा जो है फिनिश होता है किसपे यूजेस ऑफ कोल पे. क्या है यूजेस फटाफट से देख लेते हैं इनको भी. यहाँ पर कोल इज यूज एज अ फ्यूल. ठीक है, टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम. ओके, थर्मल प्लांट
पावर प्लांट के अंदर, ठीक है, वाटर को स्टीम बनाने के लिए यूज आता है, और स्टीम से ही टर्बाइन रन होती है, ठीक है, इंजन रन होते हैं, और उससे हमें यहाँ पर लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है. कोल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैस सच एज कोल गैस. कोल गैस बनाने के अंदर कोल का यूज करते हैं, ठीक है. कोल गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल. सिंथेटिक पेट्रोल भी अब बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे उसको बनाने में भी यहाँ पर कोल का यूज किया जाता है. कोल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक नेचुरल गैस. ओके, इसके लिए भी आप यहाँ पर कोल यूज करते हैं. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कोल यूज करते हैं, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, कोक. ओके, यहाँ पर कोल टार, कोल गैस और अमोनिकल लिकर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है. कोल इज अ सोर्स फ्रॉम विच द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, टोल्युइन, फिनॉल, ओके, नेक्सलीन, एंथ्रासीन आर ऑप्टिक, ठीक है. ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसके अंदर, यूजेज ऑफ कोल के अंदर, बहुत सिंपल है, ठीक है. ये तो आप खुद से बना करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, जहाँ पे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और कोल को हमने यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ा, ठीक है. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, उसे ध्यान से पढ़े और उसके उससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पूछता है. ओके, सो आई होप आपको जो है लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, एंड यहाँ पर क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, वीडियो को लाइक करना ना भूलें. See you guys in the next lecture. Till then, take care. Bye-bye.